सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आपने ऑलरेडी मेरा पिछला दो वीडियो देखा होगा जहाँ पे कि मैं ये JBL Flip 6 इसका अनबॉक्सिंग किया था और बोस जो साउंड लिंक है इसका भी मैंने अनबॉक्सिंग किया था। ये जो मॉडल है ये बोस साउंड लिंक फ्लेक्स, ये वो मॉडल है। तो दोनों का अनबॉक्सिंग वीडियो ऑलरेडी आपने देखा होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ये दोनों के बीच में कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, मुझे क्या अच्छा लगा, वो सब कंपेरिजन हम कर। सबसे पहले प्राइस देख लेते हैं। बोस मैंने ये लिया था अराउंड, मेरे को सेल के टाइम पे 10,200 इसका कॉस्ट आया था एंड JBL मैंने उसके बाद लिया, बस 5-6 दिन के डिफरेंस था। तो इसका जो कॉस्ट आया है वो 8,770। तो प्राइस के हिसाब से अराउंड ये जो है आपको 2,300 कुछ 2,300 का डिस्काउंटेड रहा है, मतलब डिस्काउंटेड नहीं बोल सकता हूँ, इससे ये थोड़ा कम प्राइस है। तो प्राइस पॉइंट पे ये बेटर है। इसमें जो है साउंड का जो पावर जो होता है वो ये 20 वाट का है और ये जो स्पीकर है ये 30 वाट का है। पावर के हिसाब से ये पर्टिकुलर स्पीकर ज्यादा दमदार है साउंड को लेके। अभी बात करते हैं कि बेसिकली साउंड क्वालिटी कैसा है, जो कि अल्टीमेटली हम उसी के लिए ये प्रीमियम सेगमेंट का ब्लूटूथ स्पीकर पे जाते हैं, राइट? क्योंकि नहीं तो स्पीकर तो आपको 2,000-3,000 पे भी मिल जाएगा। तो अगर आप खर्चा कर रहे हो 10,000 तो आप क्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हो। तो क्वालिटी अगर देखा जाए तो मतलब ये स्पीकर भी अच्छा क्वालिटी का है, ये भी अच्छा है। ब्रांड बोस का बेटर है एज कम्पेयर टू JBL। ये क्या होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपको किस तरह का म्यूजिक चाहिए। किसी को लाउड म्यूजिक पसंद है, किसी को बहुत सॉफ्ट म्यूजिक पसंद है, किसी को म्यूजिक ऐसे चाहिए कि ज्यादा बेस चाहिए, किसी को ज्यादा ट्रिप चाहिए, तो वो सब पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। मैं जिस तरह का मतलब म्यूजिक लवर हूँ, मेरे को जो बास ज्यादा होने से मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए जब मैंने ये वाला स्पीकर सबसे पहले लिया तो मुझे साउंड इसका अच्छा लगा था। बट इसका जो ऐप आता है, एक बोस कनेक्ट बोल के एक ऐप आता है, तो ये पर्टिकुलर स्पीकर जब आप लेते हो तो आपको एक ऐप इंस्टॉल करना होता है, उसका नाम है बोस कनेक्ट। आप ऐप स्टोर से जाके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैंने जब इसको इंस्टॉल किया वहां पे मेरे को इसका प्रोडक्ट पे इसका जो सीरियल नंबर है वो सब वो ऑटोमेटिकली वहां पे दिख गया। बट मैं यूज करता था iOS, ओके? तो मेरा जो iOS मोबाइल है वहां पे ये जो कनेक्ट होने के लिए, मतलब पहले दिन मैंने ट्राई किया कनेक्ट नहीं हुआ बिल्कुल, और सेकंड डे जब ट्राई किया हो गया। तो ये जो कनेक्टिविटी उतना सीमलेस नहीं है, कभी कभी होता है कभी कभी नहीं होता। ये प्रॉब्लम ये हो सकता है कि अभी रिसेंटली मैंने अपना जो मोबाइल है iOS वो मैंने अपग्रेड किया है, उसकी वजह से भी वो प्रॉब्लम हो सकता है। बट कनेक्टिविटी जो है बोस कनेक्ट ऐप के साथ, पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट के साथ, इतना सीमलेस नहीं है। Whereas, जब आप JBL प्रोडक्ट लेते हो, JBL के साथ आपको एक ऐप आता है, मैं वो दिखा देता हूँ आपको। वो ऐप का नाम है JBL पोर्टेबल, ये आप देख सकते हो। ये जो ऐप है ये JBL पोर्टेबल है, ये मतलब बहुत सीमलेसली कनेक्ट हो गया, मतलब थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ, तो वो एक अच्छी बात है। तो इसीलिए ऐप के मामले में मैं इसको ज्यादा प्रिफर करूंगा। आपको बोस कनेक्ट का भी ऐप दिखा देता हूँ वहां पे क्या प्रॉब्लम होता है। ये देखिए, ये जो है ये बोस कनेक्ट ऐप है, जब ये लोड होता है तो ये प्रोडक्ट आपका दिख गया, ये बोस देखो यहाँ पे दिख गया। जब इसको मैं यहाँ पे ऐसे ऐड करूंगा, यहाँ पे देखिए, जब इसको आप नीचे ऐसे मूव करोगे तो ये कनेक्ट अभी हो गया, कभी कभी ये कनेक्ट नहीं होता है, तो ये दिक्कत होती है बोस के साथ। दूसरा क्या है, देखिए अभी भी कनेक्ट नहीं हुआ, देखिए अभी भी मैं इसको नीचे कर रहा हूँ, ये अभी कोशिश कर रहा है, कनेक्टिंग बोल रहा है, देखिए टाइम ले रहा है, राइट? लाइव डेमो में आपको दे रहा हूँ ये चीज़, ठीक है? ये मेरा iOS मोबाइल है, अगर आपका एंड्रॉयड है तो शायद बहुत इजीली हो जा सकता है, आई कांट कमेंट ऑन दैट। तो ये कनेक्टिविटी देखो अभी भी ये कनेक्ट नहीं हुआ है। जब मैं आपको JBL का ओपन करके दिखाता हूँ, ये देखिए JBL पोर्टेबल, बस आपने ओपन किया ऑलरेडी आपका जो प्रोडक्ट है वो दिख गया, कनेक्ट भी हो गया ये। तो ये जो सीमलेस कनेक्टिविटी जो है ऐप का, ये इसका बेटर है। आप यहाँ पे जब ऐप पे लैंड करते हो, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो, आप कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पे, क्या क्या कंट्रोल कर सकते हो, इक्विलाइजर, इसको आप अपने म्यूजिक जो आपका लाइकनेस है उसके हिसाब से आप ये जो इक्विलाइजर को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आपको ज्यादा बास चाहिए आप ऊपर लेके जाओ, नीचे लेके आओ, ये सब चीज यहाँ पे है। दूसरा और एक ऑप्शन है, मान लीजिए आपके पास ये वाला स्पीकर है और आपने का फ्रेंड भी ये सेम स्पीकर परचेज किया है, मतलब ये JBL का, ये सेम फैमिली का, आप कहीं पिकनिक के लिए जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, दोनों स्पीकर को पेयरिंग कर दो, आपको 30-30-60 वाट का बहुत जबरदस्त पार्टी मूड लाउड म्यूजिक आपको मिलेगा वहाँ। तो ये एक एडवांटेज है यहाँ। Whereas बोस का क्या होता है, हर कोई एफर्ट भी नहीं कर सकता है और बहुत कम फ्रेंड सर्कल होंगे जो ये वाला प्रोडक्ट को लेंगे, तो और लेंगे भी तो इसको पेयरिंग नहीं कर सकते हो आप इसके साथ। बोस का और कुछ एक बूफर जैसा कुछ होता है उसके साथ आप पेयरिंग कर सकते हो, आई डोंट नो पेयरिंग होता है कि नहीं, मैंने कोशिश भी नहीं किया और मैंने उतना R&D भी नहीं किया। बट इसका जो मतलब आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत कम यूजर होंगे जो इसको मतलब लेंगे ये चीज को।
इसको। अल्टीमेटली अगर बोला जाए तो इसका जो सॉफ्टवेयर है, मुझे इसका सॉफ्टवेयर ज्यादा अच्छा लगा। दोनों वाटरप्रूफ है, दोनों को हमने पानी के अंदर डुबा के देखा, दोनों अच्छा काम करता है। इसको पानी के अंदर डुबाने से ये नीचे डूब जाता है, वेरेज इसको अगर आप ऐसे करके छोड़ दोगे तो ये फ्लोट करता है। तो इसका जो स्पीकर का जो ऊपर इसका मुंह है तो साउंड आपको आता रहेगा, बट इसमें क्या होगा आप छोड़ दोगे पानी के अंदर, वैसे कोई पानी के अंदर म्यूजिक तो सुनेगा नहीं। ये बेसिकली आप कहीं पे ट्रैकिंग के लिए जाते हो, बारिश हो गया, पानी इस पे थोड़ा सा आ गया तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो मेरा पर्सनल चॉइस है JBL। ओके, बहुत सारे मैंने वीडियो देखा था जहाँ पे कि ये दोनों प्रोडक्ट को कंपेयर किया हुआ था और वहाँ पे हर कोई बोस को ही अच्छा बोल रहा था। शायद मैं ही अकेला होऊंगा जहाँ पे कि JBL को अच्छा बोला हूँ, आई डोंट नो, बट ये पर्सनल चॉइस है। मैं अपना खुद का चॉइस के हिसाब से, मतलब जो मेरा, मैं जिस तरह का म्यूजिक लवर हूँ, मुझे थोड़ा ज्यादा म्यूजिक चाहिए, लाउडनेस थोड़ा ज्यादा चाहिए, बास थोड़ा कम चाहिए। और ये पॉकेट फ्रेंडली भी है और देखा जाए तो आप इसको इजीली अपने बैग के अंदर कैरी कर सकते हो। साइज के हिसाब से देखा जाए तो मुझे ये ज्यादा लगता है, अगर लुक वाइज देखा जाए तो ये क्लासिक लगता है, ये थोड़ा रगड़ लगता है। इसका जो मटेरियल है ये सिलिकॉन मटेरियल है, हो सकता है इसका ड्यूरेबिलिटी ज्यादा हो, इसका ड्यूरेबिलिटी एज कम्पेयर टू दिस कम हो सकता है, बट जितना भी शॉर्ट ड्यूरेशन होगा ना, इसका जो म्यूजिक जो आउटपुट है 30 वाट, वो पूरा जो रूम है उसको पूरा पार्टी मूड पे सेट कर देगा ये। तो ये उस तरह का म्यूजिक आपको आउटपुट देगा। तो फ्रेंड, दोनों प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप चेकआउट करो। कमेंट में मेरे को बताओ कि आपको कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा लगा, और मैंने अगर कुछ गलत बोल दिया होगा तो माफ उसके लिए, क्योंकि मैं उतना टेक्निकल बंदा नहीं हूँ। जो मेरे को सुनता है वही मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे ये अच्छा सुनने को लगा तो मैंने इसी के बारे में ही आपको, मतलब इसको रेकमेंड किया, राइट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप जो मेरा एक्सपीरियंस है ये किसी को हेल्प करे, और उसी उम्मीद के साथ मैं ये सब वीडियो बनाता हूँ। जब भी मैं कुछ नया प्रोडक्ट परचेज करता हूँ तो मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहता है मैं वो सबके साथ शेयर करता हूँ, ताकि दे गेट बेनिफिटेड विथ माई एक्सपीरियंस। आगे आपको अगर इस प्रोडक्ट को लेके कुछ अलग वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट में बताइए, मैं वो कोशिश करूंगा बनाने की। आपका कुछ क्वेरी है तो कमेंट लिखिए, मैं उसका आंसर देता हूं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू विद अ न्यू एक्सपीरियंस विद अनदर वीडियो। थैंक यू, बाय।